हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो से पहले जो वीडियो हमने देखा है उसमें मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बारे में, डिस्ट्रिक्ट फोरम के बारे में बता दिया था कि वो एक सबसे बॉटम लेवल की कंज्यूमर रेड्रेसल एजेंसी है जो हम कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट्स को सॉल्व कराती है। अब अगर उससे आगे बढ़ें तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के आगे और जो रेड्रेसल एजेंसी है जहाँ पर हम अपने डिस्प्यूट्स, अपने झगड़ों को एज ए कंज्यूमर लेके जा सकते हैं वो है स्टेट कमीशन। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं स्टेट कमीशन, और यहाँ क्या दिया है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले स्टेट कमीशन का मीनिंग समझ लेते हैं। स्टेट कमीशन का मीनिंग है अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन एट द स्टेट लेवल, जो स्टेट लेवल पर है, एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने इसको एस्टैब्लिश किया, इज नोन एज द स्टेट कमीशन, और उसे नाम दिया गया है स्टेट कमीशन का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, इसका दूसरा नाम आप ये कह सकते हैं, यह है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। कॉम्पोजिशन, अब ये जो स्टेट कमीशन है ये बनता कैसे, इसका कॉम्पोजिशन कैसे होता है, इसे बनाया कैसे जाता है। तो ईच स्टेट कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होना चाहिए, इसमें सबसे पहले तो एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, एक प्रेसिडेंट होगा, अ पर्सन हु इज अ सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, मतलब यहां पर जो पर्सन आप प्रेसिडेंट बनाना चाहते हो जिसको, वो हाई कोर्ट का रिटायर्ड या सिटिंग जज होना चाहिए। शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कमीशन, उसे स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया जाना चाहिए, इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ डिस्कशन करके हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहां पर यानी स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेगी। और वो प्रेसिडेंट कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं होगा बल्कि या तो वो सिटिंग हाई कोर्ट का जज होगा या रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज होगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा। आगे देखें तो मेंबर्स के बारे में दिया है, नॉट लेस देन 4 और नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब मेंबर्स में 4 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं, 4 से ज्यादा मेंबर्स यहां पर नहीं लिए जा सकते हैं, 4 मेंबर्स ही हो सकते हैं। नेक्स्ट है टेन्योर, टेन्योर की बात करें स्टूडेंट तो जो भी हमारे ऑफिसर्स होंगे, जो भी यहां पर मेंबर्स अपॉइंट होंगे, ओके, उनका टर्म जो होता है जनरली 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए होता है, तो 5 साल तक अपना टर्म पूरा कर सकते हैं अगर, या 5 ईयर्स तक अपनी जॉब को कर सकते हैं, या फिर 67 ईयर्स जो है, 67 आपको याद रखना होगा, 67 ईयर्स, ओके, ये उनकी रिटायर एज होती है, तो जो भी हो जाए पहले उस हिसाब से उनको वो रूल को फॉलो करना पड़ता है। 5 साल का टाइम पीरियड है तो पूरा 5 साल करेंगे, लेकिन अगर उनकी एज मान लीजिए अपॉइंटमेंट के वक्त 63 थी, 63 ईयर्स में उनको अपॉइंटमेंट मिला था, 67 ईयर्स की एज हो गई, तो 4 साल में ही उनको रिटायर होना पड़ेगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा, तो वो देखा जाता है। आगे देखें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सो द मेंबर ऑफ स्टेट कमीशन शैल हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, एज मेंबर शुड नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स, 35 साल से छोटे नहीं होना चाहिए, एजुकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए उनके पास, वो भी अच्छी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, मतलब वो बीकॉम होना चाहिए या वो बीए होना चाहिए या बीएससी होना चाहिए, कम से कम उनका ग्रेजुएशन तो पूरा होना चाहिए, वो भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। एक्सपीरियंस की बात करें तो उन्हें अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, पिछले लास्ट 10 ईयर्स में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए इकोनॉमिक्स, लॉ, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्री एंड पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड, ताकि वो कंज्यूमर्स के प्रॉब्लम्स को समझते हुए उनके डिस्प्यूट्स को इजी वे में सॉल्व करा सकें। आगे बढ़ें तो यहाँ टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन जो होता है, मतलब हमारी जो स्टेट कमीशन है उनका जो कंट्रोल है वो कहाँ तक फैला होता है, कहाँ तक उनका कंट्रोल चलता है, तो बच्चों उनका ज्यूरिडिक्शन, उनका जो कंट्रोल है वो पूरे के पूरे सेंटर, हमारे जो सॉरी पूरी के पूरे स्टेट में, पूरे के पूरे स्टेट में उनका मतलब कंट्रोल चलता है। तो ये ओके, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम से, जो इससे छोटा वाला मतलब रेड्रेसल एजेंसी है, वहाँ से आए हुए भी केस को इंटरटेन करता है, उनको सॉल्व करता है, और जो ओरिजिनल केसेस आते हैं डायरेक्ट इसके पास उन्हें भी देखता है, उन्हें भी सॉल्व करता है। मॉनिटरी ज्यूरिडिक्शन की बात करें स्टूडेंट्स तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि इस स्टेट कमीशन में जो केसेस आ सकते हैं वो 1 करोड़ से ज़्यादा तक और अप टू 10 करोड़ तक आ सकते हैं, मतलब 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच के जो केसेस हैं वो इस स्टेट कमीशन में आ सकते हैं, क्योंकि 1 करोड़ से कम अमाउंट के जो केसेस हैं वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाते हैं, तो 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ तक जो केसेस होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। अपील, अब स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए किसी को स्टेट कमीशन का फैसला पसंद नहीं आता, अगर उन्हें वो फैसला मंजूर नहीं है जो स्टेट कमीशन, तो उनके पास क्या स्टेप बचता है, उनके पास ये स्टेप बचता है कि अब वो अपने केस को
ओके लेकर जा सकते हैं इससे भी बड़ी अथॉरिटी के पास, और जिसको हम लोग ने नाम दिया है कि वो जो अथॉरिटी है वो है हमारी नेशनल कमीशन। तो वहाँ पर उन्हें क्या करना होगा कि उन्हें जैसे ही स्टेट कमीशन का ऑर्डर मिला उसके 30 डेज के अंदर ही, 30 दिनों के अंदर ही अपील करना पड़ेगा, उन्हें नेशनल कमीशन में अपील लेकर के जाना पड़ेगा और अपने केस के आगे के स्टेप्स के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ याद रखना होगा कि ये अपील अगर करना चाहते हैं तो इन्हें स्टेट कमीशन के जैसे ही जस्टिस मिलता है, जो वहाँ से फैसला मिलता है उसके 30 डेज के अंदर अंदर और उसको चैलेंज करना होगा, अपील करनी होगी नेशनल कमीशन में। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो उसे केस कर सकता है नेशनल कमीशन में। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है नेशनल कमीशन का, जो थर्ड पार्ट है आपके सामने नेशनल कमीशन, ये लास्ट एजेंसी मानी जाती है, सबसे एपेक्स एजेंसी है, सबसे टॉप लेवल की एजेंसी है हमारे इंडिया में, जो हम कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है। तो जल्दी से इसका मीनिंग पार्ट देख लेते हैं। अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम एट द नेशनल लेवल एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाई नोटिफिकेशन इज नोन एज द सेंट्रल नेशनल कमीशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। आपको समझना होगा स्टूडेंट, इसे जो दूसरा नाम दिया गया है वो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन दिया। स्टूडेंट ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है हम कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट्स को सॉल्व कराने के लिए, ओके इसीलिए इसका नाम है नेशनल कमीशन। पूरे देश के लिए, पूरे कंट्री के लिए बना हुआ है ये, ओके तो ये सबसे बड़ी डिस्प्यूट रेड्रेसल एजेंसी मानी जाती है। अब कंपोजिशन ऑफ नेशनल, अगर इसे बनाना है तो किस तरीके से इसको बनाया जाता है, ये कैसे एस्टैब्लिश होता है, तो इसमें सबसे पहले तो आप देखेंगे प्रेसिडेंट, यानी पहले तो एक प्रेसिडेंट चाहिए, अ पर्सन हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी यहां पर जो भी प्रेसिडेंट बनेगा हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा उसे प्रेसिडेंट बनाया जाए। शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ डिस्कस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उसको इस नेशनल कमीशन का प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। मेंबर्स नॉट लेस देन 4, 4 से तो कम मेंबर इसमें नहीं हो सकते, यानी प्रेसिडेंट प्लस 4 मेंबर आपको याद रखने होंगे। उसके बाद में है टेन्योर, टेन्योर मतलब कितने सालों के लिए इनका अपॉइंटमेंट होता है, तो जनरली वही 5 इयर्स के लिए, या फिर उनकी जो एज प्रिस्क्राइब्ड की जाती है, जो भी एज होगी, इसमें बताया नहीं है, जो भी एज होगी उस एज तक उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ता है। उसके बाद है क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन देखा जाए तो मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन का एज जो है वो 35 इयर्स से कम ही रहना चाहिए, 35 इयर्स से कम नहीं होना चाहिए, 35 इयर्स से ज़्यादा ही होना चाहिए, 35 साल से छोटे लोग नहीं हो सकते यहाँ पर, यहाँ पर मेंबर नहीं बन सकते, यहाँ पर उनकी एज जो है 35 साल से कम की नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। एजुकेशन बैचलर्स डिग्री चाहिए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, मतलब ग्रेजुएट तो होनी चाहिए, एक्सपीरियंस उन्हें होना चाहिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट का, लॉ का, कॉमर्स का, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्री एंड पब्लिक अफेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारी चीज़ों का उनको एक्सपीरियंस और नॉलेज रहना चाहिए ताकि वो अच्छे से उन केसेस को सॉल्व कर सके। उसके बाद में आ रहे हैं स्टूडेंट टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, सो कहाँ तक इनका केसेस का पावर है, कहाँ तक ये कंट्रोल कर सकते हैं, सो इट कैन इंटरटेन ओरिजिनल केसेस, जो भी केसेस हैं इनके पास आ सकते हैं, एज वेल एज अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन विच आर विद इन द ज्योग्राफिक लिमिट ऑफ द स्टेट। जो ओरिजिनल केसेस आएंगे वो तो ये सॉल्व करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो लोग स्टेट कमीशन के फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने यहाँ नेशनल कमीशन में अपील किया था, ये सारे केसेस को वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है मॉनिटरी ज्यूरिडिक्शन, मतलब कितने अमाउंट तक का केस ये लोग हैंडल करते हैं, तो यहाँ क्या दिया, टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेड एज द कंसीडरेशन एक्सीड्स रुपीज 10 करोड़। ओ हो, 10 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट के जो भी केस होते हैं, 10 करोड़ के अमाउंट से बड़े जो केसेस होते हैं वो यहाँ पर रजिस्टर किए जाते हैं मॉनिटरी ज्यूरिडिक्शन में, मतलब 10 करोड़ के केसेस को हमारा नेशनल कमीशन सॉल्व करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि ये तीनों अथॉरिटीज़ हैं, तीनों हमारे पास रेड्रेसल एजेंसीज हैं जहाँ पर हम कंज्यूमर्स अपने डिस्प्यूट्स, अपने झगड़ों को सॉल्व करा सकते हैं। और अगर नहीं हुआ स्टूडेंट्स, तो आपके पास मतलब ये तीनों अथॉरिटीज़ हैं, आप तीनों के पास जाइए, डिस्ट्रिक्ट के पास, स्टेट के पास और नेशनल, आपका कहीं ना कहीं तो सोल्यूशन निकल ही आए। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लीएंस ऑफ ऑर्डर, इफ एनी पार्टी फेल टू कंप्लाई विद एनी अदर मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, इट शैल बी पनिशेबल विद एन इंप्रिसमेंट फॉर टर्म नॉट लेस देन 1 month बट मे एक्सटेंड टू 3 years और विद अ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन ₹25,000 बट मे एक्सटेंड टू ₹1,00,000 विद बोथ। यानी अगर
इनके बताए हुए रूल्स को फॉलो ना किया गया, जो भी रूल्स इन्होंने बताए हैं स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट ने, तो ऐसे अथॉरिटीज़ को फिर पेनल्टी भी लगाई जाएगी, जेल भी जाना पड़ सकता है और जेल में उन्हें 1 महीने से लेकर 3 साल तक रहना पड़ सकता है और फाइन भी देना पड़ सकता है 25,000 रुपये से लेकर 1 लाख तक का, या फिर दोनों भी हो सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है, फाइन भी भरना पड़ सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई हमारे नेशनल कमीशन के बारे में, जो सबसे एपेक्स बॉडी था हम सबके कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट्स को सॉल्व कराने के लिए। होप स्टूडेंट्स, इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। आज के वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। आप अपना ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखिए, अपने क्रिएटर को हमेशा याद रखते रहिए। गॉड ब्लेस यू।